इस सीट से प्रिया दत्त 1995 में अपने पिता की मृत्यु के बाद चुनाव लड़ा और जीता था। उसके बाद वे एक हद तक राजनीति से विमुख हो गई थी। वहीं बीता चुनाव पूनम महाजन से हार गई थी। दोनों के पास अपनी अपनी राजनीतिक विरासत के साथ व्यक्तित्व की खूबियां भी हैं। पूनम महाजन भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं तो प्रिया दत्त भी कांग्रेस के अखिल भारतीय संगठन में पद संभाल चुकी हैं। दोनों ही मतदाताओं से बेरुखी इस बार चुनावी मुद्दा बन सकती है। पूनम ने मोदी लहर में चुनाव जीतने के बाद कभी क्षेत्र में झांकने की भी कोशिश नहीं की, यहां तक कि वे फोन पर भी उपलब्ध नहीं होती थी। लगभग यही स्थिति या शिकायत प्रिया दत्त से भी कार्यकर्ताओं की रही है। इन दोनों के बीच महज 27 साल की किन्नर स्नेहा निवृत्ति काले ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर मुकाबले को रोचक और सीट को चर्चित बना दिया है। बताया जाता है कि इस सीट के मतदाताओं में करीब 40,000 किन्नर हैं। यदि ये सभी स्नेहा के लिए सक्रिय हो गए तो चुनावी प्रचार के नज़ारे तो निश्चित तौर पर दिलचस्प हो ही जाएंगे। ये पहला मौका है जब इस सीट से किसी किन्नर ने भी चुनावी मुकाबले में उतरना तय किया है। कॉमर्स की ग्रेजुएट स्नेहा की शिकायत है कि आजादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार ने उनके समुदाय के हित के लिए कोई काम नहीं किया। यदि वे चुनाव जीतती हैं तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, विधवाओं, सैनिकों और अपने समुदाय के विकास के लिए काम करेंगी। वे इस लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से 3 भाजपा, 2 शिवसेना और महज 1 कांग्रेस के हाथ में है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।